हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आपको भी अजियो ऐप में प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है एसएस इज डिनाई, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आती हुई है, इसका रीज़न जान लेते हैं। सबसे पहले, जब आप बार बार अपने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तो वो जो उनका सिस्टम है अजियो ऐप का, वो डिटेक्ट करता है कि कोई रोबोट है जो ऐसा कर रहा है या फिर कोई हैकर है, जिसके कारण वो ओटीपी की रिक्वेस्ट को वो बंद कर देता है कुछ समय के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट ओटीपी डाल रहे हो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ स्टेप्स उनको फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ब्राउज़र है उसको ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पे अजियो सपोर्ट ईमेल सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस हमें मिल चुका है, customercare@ajio.com। क्योंकि एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी टीम के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें उनको मेल सेंड करना पड़ेगा। किस फॉर्मेट में सेंड करें मेल, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे सब्जेक्ट देखेगा, यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आपके अजियो ऐप पे, वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख देनी है। प्रॉब्लम को लिखने के बाद हमें नीचे कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे आ जाना है। तो कंपोज ईमेल वाले सेक्शन पे यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका नाम है वो लिख देना है। आपका नाम क्या है अजियो ऐप में, जिस अकाउंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका मोबाइल नंबर, ईमेल, उसके साथ जो लिंक है, ये सब आपको वहाँ पे लिख देना है वन बाय वन। तो ये सब लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमारे अजियो अकाउंट में उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, पूरा डिटेल में बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, ये सब यहाँ पर लिख देना है। ये सब लिखने के बाद हमें उनको रिक्वेस्ट करनी है उनकी टीम को कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और आपको ये भी बताना है कि आप क्या कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम तब आ रही है, सब कुछ यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एक स्क्रीनशॉट अटैच कर देना है आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, क्योंकि उनकी टीम को प्रूफ चाहिए होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिससे वो आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। तो स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट अटैच करने के बाद इस मेल को सेंड कर दीजिएगा। मेल को सेंड करने के बाद 48 घंटों के अंदर उनकी टीम का रिप्लाई आएगा और वो आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। ऐसे जल्दी सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम, तो टेंशन ना ले और जो स्टेप्स बताएंगे उनको फॉलो जरूर करें।